एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो जाता है और एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो जाता है। गुड मॉर्निंग माई डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी लेक्चर सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है, वर्क लाइफ बैलेंस। उसी को सुनने के लिए, उसके बहुत सारे अनुभवों को जीने के लिए अभी हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए मैं अपने मुख्य वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI करनाल। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही उपस्थित हैं भ्राता रवि प्रकाश जी, हमारे मुख्य अतिथि, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कृपया आप भी पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो अभी का सत्र है ये पूरी तरह से अनुभवों से भरा होगा। जीवन में जो जिया, जो किया, केवल उसके बारे में ही यहाँ बात की जाएगी। उसी का अनुभव साझा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि अभी हम सभी बाहर से आकर के यहाँ पहुँचे हैं, तो आइए सबसे पहले तो हम एक मिनट साइलेंस में बैठ करके अपने मन को संतुलित करें। हम पिछले 3 दिनों से इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हमने बहुत सारी बातों को सुना और धारण करने का प्रण भी लिया। हमने ना सिर्फ ज्ञान सुना, कहते हैं कि जब ज्ञान की अधिकता जिंदगी में ज़्यादा हो जाए, प्यार अधिक हो जाए, खुशी भी अधिक हो जाए, जोश और उमंग भी जब ज़्यादा हो जाए, और साथ ही साथ हम सब अपने जीवन में अपने कार्यभार को या जिम्मेवारी को भी संभाल रहे हैं और वो भी ज़्यादा हो जाए, तो ज़रूरत पड़ती है संतुलन की। जी हाँ, एक सही संतुलन की एक मानव को हमेशा ज़रूरत रहती है। तो उसी विषय को लेकर वर्क लाइफ बैलेंस हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी हम अपने वक्ताओं से बहुत सारी बातें सुनेंगे ही, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि चाहे हम प्रोफेशन में रहें या फिर हम अपनी पर्सनल लाइफ को जिए, चाहे हम टूर पर जाएं या फिर हम कहीं पर भी रहें, वो जो संतुलन है वो कभी भी किसी परिस्थिति को देखकर या स्थान को देखकर बदलना नहीं चाहिए, लेकिन मन में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। कहते हैं कि कीचड़ में अगर पैर धंस जाए, कीचड़ में अगर पैर धंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, लेकिन नल को देखकर कभी कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कभी बुरा वक्त आए तो पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी बुरा वक्त आए तो पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पैसों को देखकर कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए। इसी को हमने बैलेंस कहा है, जो हमेशा हमारे जीवन में रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम हमारे बीच उपस्थित भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी से बहुत ही मधुर वाणी में, बहुत ही अच्छे शब्दों से उनका वक्तव्य सुनेंगे। ही इज़ अ रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन जेनेटिक्स फ्रॉम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ NDRI करनाल इन 2016। आपका मानना है कि आप एक ऐसी सम्माननीय संस्था का हिस्सा है जो न केवल अपने उत्थान में बल्कि पूरे विश्व के उत्थान में कार्यरत है, और इसी विचारधारा के साथ आपने अपनी नौकरी से, अपनी सेवा से, स्व इच्छा से सेवानिवृत्त होकर के ईश्वरीय सेवा में जीवन देना अपना सौभाग्य समझा। 2016 में आपने सेल्फ रिटायरमेंट लेकर के ईश्वरीय कार्य में अपने आप को जोड़ लिया है। आप यूँ तो 42 वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं।
और साथ ही साथ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप सभी जो भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, बड़े ध्यान से भाई सब की बातों को सुनिएगा और रिस्पॉन्स कीजिएगा, बिकॉज ही इज़ अ क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो एंड अ रिनाउंड काउंसलर ऑल्सो. आपको ज्योतिषी का भी बहुत अच्छा ज्ञान है. He has guided more than 20 students for their PhD and thesis work. He has published 4 books and many research papers in national and international journals. और बहुत सारी लिस्ट है आपकी, लेकिन जिसमें से कुछ विशेष है वो ये कि यू वर ऑनर्ड विद भारत एक्सीलेंस अवार्ड इन 2006 बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली एंड ऑल्सो विद बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर डी दर्शन अवार्ड इन 2010 एट NDRI एंड ऑल्सो विद हरियाणा गौरव सम्मान इन 2015 बाई OSD टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा. ये तो आपके प्रोफेशन की लिस्ट है, लेकिन पर्सनल क्वालिटीज़ भी जो है बहुत सारी हैं. अगर आपकी पर्सनैलिटी को देखें तो सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि आपका इस सभा में होना, हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा होना, इस बात को दर्शाता है कि भगवान एक है, ये विश्व एक है और हम सभी एक परिवार हैं. ना धर्म, ना जाति, ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव है. आपका ये भी मानना है कि ज्ञान सुनने के लिए ब्रह्मा कुमार या कुमारी बनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको इंटरनेट से या किताबों से बहुत सारा मिल जाएगा. लेकिन हाँ, उसी ज्ञान को अगर अनुभव करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसका प्रभाव, तो ज़रूर इस संस्था का हिस्सा बने रहना और इससे जुड़े रहना ज़रूरी है. तो आइए हम भाई सबसे सुनते हैं आज का मुख्य विषय, वर्क लाइफ बैलेंस. आदरणीय भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी. सत्यम शिवम सुंदरम, सत्चित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारे आज के चेयरपर्सन भ्राता रवि प्रकाश जी, ED रिटायर्ड AAI न्यू दिल्ली, हमारी सेशन फैसिलिटेटर आपने अभी सुना ही है बहन जी को, राजयोगिनी ज्योति बहन जो दिल्ली से हैं, और चांस की बात है हम 3 बार से एक ही मंच पे इकट्ठे हो जाते हैं. दिस इज़ अजीब कोइंसिडेंस. में आई वॉज टेलिंग हर कि ये देखो हम इकट्ठे हो जाते, पिछली बार भी हम एक ही मंच पे थे. और सभा में उपस्थित प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों, विज्ञानी गण, अभियंता गण, पिछले 3 दिनों से हम ओशन ऑफ अवेयरनेस, चेतना के समुद्र में, आनंद के समुद्र में, खुशियों के समुद्र में गोते मार रहे हैं. ऐसा सबको अनुभव हो रहा है. दूसरा, मैं आपकी अटेंडेंस भी लेना चाहता हूँ. आप सोचोगे शायद कम है, इसलिए अटेंडेंस मीन्स आपकी हाजिरी. हाजिरी यहाँ कैसे लेनी है, ये स्पिरिचुअल अटेंडेंस है. तो आप सब क्या करेंगे कि ऐसे करें और यहाँ भ्रिकुटी पे रखें और आप ये देखें आप कहाँ हैं, आप हाजिर कहाँ हैं. आपकी हाजिरी भ्रिकुटी में है. यहाँ माइंडफुलनेस से आप यहाँ अपने आप को हाजिर कीजिए कि आई एम ए सोल प्रेजेंट इन फोरहेड रीजन बिटवीन द आईब्रोज. आई एम ए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, डिवाइन स्टार. तो आपकी हाजिरी लग जाएगी और उसके साथ ही आप ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय अनुकंपा भी अपने ऊपर अनुभव करने लगेंगे. आप हाथ नीचे कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये स्वर्ग आश्रम में हम सब इस वक्त रह रहे हैं 3 दिन से. ये स्वर्ग आश्रम में जो रहते हैं वो कौन होते हैं? स्वर्गवासी. तो हम सब कौन हैं? स्वर्गवासी हैं. और यहाँ पे ये ज्ञान सरोवर है. ज्ञान सरोवर वहाँ मान सरोवर कहते हैं. तो वहाँ हंस चाहते हैं. हंस हंस क्या करते हैं? हंस मोती चुगते हैं. संसार में 2 तरह की वृत्ति गाई गई है.
एक है हंस वृत्ति, एक है काक वृत्ति। काक वृत्ति मीन्स कौआ वृत्ति। कौआ वृत्ति वाले जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे? कौआ क्या करता है? एक तो गंदगी में चोंच मारता है, दूसरा क्या करता है, किसी का जख्म हो ना, जहां किसी पशु का आपने देखा होगा, कौआ जाके वहीं चोंच मारता है। ऐसे जो काक वृत्ति वाले संसार में लोग हैं वो हरेक के अवगुणों के ऊपर ही चोट करते रहेंगे हमेशा, और उनकी दृष्टि क्या होगी, गंदगी पे ही रहेगी। और दूसरे कौन हैं? हंस वृत्ति वाले, जैसे आप सब यहां बैठे हैं, आप सब परम हंस वृत्ति वाली आत्माएं हैं, और आप सब 3 दिन से मोती चुग रहे हैं, ज्ञान के मोती चुग रहे हैं। ये हम सब का बहुत सौभाग्य है कि हम सब ज्ञान के मोती चुग रहे हैं। हमें यहाँ एम्पावरमेंट हो रही है। द बेसिक पर्पज यहाँ क्या है? व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ इनवाइटिंग? हम सब यहाँ क्यों आए हैं? व्हाट फॉर वी हैव कम हेयर? इसका बेसिक पर्पज कोई सिर्फ ये साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस या इंजीनियर कॉन्फ्रेंस नहीं। द बेसिक पर्पज इज टू स्पिरिचुअलाइज अस, टू डिविनाइज अस, टू इनर्जाइज अस, ये सब हमारे को, और टू चार्ज अस। हम सब की बैटरी जो संसार में रहते हैं ना, तो अभी तो हम भाषा समझ सकते हैं, ये हम सब की बैटरी संसार में रहते रहते यूज होते होते डिस्चार्ज हो जाती। शाम को हम जब अपने ऑफिस से घर आते हैं तो डिस्चार्ज बैटरी होती है। यहाँ पे हमें सेल्फ चार्जिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना है वो सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमने 3 बातें इन 3 दिनों में सीखी है, मैंने उसको समराइज करने की कोशिश की है, देन आई विल डेल्व अपॉन माई टॉपिक। फर्स्ट है उठो नहीं जागो। फर्स्ट क्या है? उठो नहीं जागो। सुबह क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं उठ जाओ, बेड से उठ जाओ। अब उठना नहीं है, क्या करना है? जागना है। जागने का मतलब, जैसे ही आप सुबह जागो तो आप कहाँ उपस्थित हो? अभी हाजिरी मैंने बताई थी, यहाँ हाजिर होना है। हाजिरी कहाँ लगानी है? भ्रिकुटी में। मैं कौन? शरीर नहीं, मैं आत्मा। और गुड मॉर्निंग किसको करनी है? गुड मॉर्निंग शिव बाबा। गुड मॉर्निंग किसको करनी है? सबसे पहली गुड मॉर्निंग किसको? परमात्मा को, क्रिएटर को, डायरेक्टर को, उसको सबसे पहली गुड मॉर्निंग करनी है। दूसरा, बेहोश नहीं बाहोश। बेहोश नहीं बाहोश। सारा दिन हमने कैसे जीना है? हम बेहोशी में जीते हैं, निद्रा तंद्रा हो रहा है, चल रहा है, एक रूटीन, सेट रूटीन, ऑटो मोड पे हैं हम सब। उसमें होश लानी, माइंडफुलनेस लानी है। माइंडफुलनेस जब आएगी हमें होश रहेगी। सेल्फ कौन है? मुझे कौन? आपका बॉस है, आप बॉस को मिलने जाओगे, किस मनोवृत्ति से जाओगे? जब ज्ञान नहीं है तो बॉस है, देर इज ए डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर बॉस। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल दृष्टि से जाएंगे, ये बॉस भी सोल है, ये बॉस भी कौन है? आत्मा है। जैसे ही आप इस भाव में आओगे तो क्या है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो आपके मन में जो फियर था वो समाप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अपनी फैमिली में भी मैंने जब ये ज्ञान सुना 1976 में ब्रह्मा कुमारी से, तो मैं एक दिन घर गया तो मैं अपने पिताजी को ऐसे ध्यान से देख रहा था। मेरे पिताजी मुझे देखने लगे, कहते क्या बात, बहुत ध्यान से देख रहा है। मैं कह ये सोच रहा हूँ कि ये मेरे पिताजी भी, ये जो आत्मा है इनके अंदर, ये मेरा भाई है। तो स्पिरिचुअल दृष्टि जब हमारे पास आ जाती है तो जिंदगी के अंदर आनंद की स्वतः प्रकट होने लगता है, आनंद भीतर से। तीसरा पॉइंट है बैलेंस, जिसकी हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। हम यहाँ क्या सीखने आए हैं? दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर हमें कोई करना है, और जिसको ये आ गया बैलेंस स्ट्राइक करना, हम हर जगह बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस डाइट खानी चाहिए,
बैलेंस होना चाहिए, लव एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए, हर जगह बैलेंस की बात होती है। तो हम जो है वर्क और लाइफ का बैलेंस है वो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जैसे ही जिंदगी में संतुलन आता है, एग्जैक्टनेस आती, प्रिसीजन आता है, एक्यूरेसी आती है, तो उसके साथ साथ हमारे जीवन में समरसता आनी शुरू हो जाती है। हमारे जीवन से संगीत प्रकट होने लगता है, गीत प्रकट होने लगता है, भगवत गीता आपसे प्रकट होने लगती है। वो भी एक मनोदिशा मनोदशा की बात है, जब श्रीमद् भगवत गीता प्रकट होती है, आपके भीतर से भी प्रकट हो सकती है। अगर एक बीज वृक्ष हो सकता है तो दूसरा बीज वृक्ष क्यों नहीं हो सकता। अगर दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा बन के संपूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है तो हम सब आत्माएं भी अपनी अपनी संपूर्णता को क्यों नहीं पा सकती। भाई और बहनों, मैंने एक दिन देखा एक सड़क के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली वाला जा रहा था, पीछे से एक नवयुवक आया, उसने उस ट्राली के पीछे एक संगल लगा हुआ था चेन, उसको पकड़ लिया साइकिलिस्ट ने, तो उससे क्या हुआ, उसकी स्पीड तेज हो गई और उसने पैडल मारने बंद कर दिए। तो उससे क्या मतलब है उसका, कि उसको थकावट भी नहीं हो रही है और स्पीड भी तेज हो गई है, उसको थकावट भी नहीं हो रही है और उस ट्राली को पकड़ने से उसकी स्पीड भी तेज हो गई है। ऐसे ही क्यों, क्योंकि उसने अपने से बड़ी एक परम एक शक्ति को पकड़ लिया है, बड़ी शक्ति को। ऐसे ही अगर जब हम उस परम शक्ति परमेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को पकड़ लेंगे तो हमारी स्पीड भी तेज हो जाएगी और पैडल भी मारने नहीं पड़ेंगे, अर्थात जीवन में सहजता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, सहज भाव से वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक दो पंक्तियां पढ़ी थी बहुत सुंदर, वो इसी विषय से संबंधित ही हैं। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो जाता है, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो जाता है और एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस, एक कंकर हो गया, एक शंकर हो गया उसी पत्थर से, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? सहन शक्ति, जिसके अंदर रिजिलियंस है, टॉलरेंस है, झेलने की शक्ति है, वो शंकर शंकर हो जाता है, नहीं तो ब्रेक हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आए उसके क्या रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई विषम परिस्थिति आई तो ये भी हो सकता है कि आप टूट जाएं। आप अगर स्ट्रांग हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप झेल जाएंगे, नहीं तो वही परिस्थिति आपको स्ट्रांगली मेंटल भी बना सकती है। आइदर यू आर मेंटली स्ट्रांग और यू विल बिकम स्ट्रांगली मेंटल। आप ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं परिस्थिति में, और अगर उसको झेल जाएं तो लोग उन्हीं परिस्थितियों में ब्रेक थ्रू भी करते हैं। तो भाई और बहनों, आप एंडलेस होप की तरफ भी जा सकते हैं और होपलेस एंड की तरफ भी जा सकते हैं, दिस इज अप टू यू। ये है सारा, हमें यही सीखने के लिए यहां आए हैं कि हम जो हैं स्ट्रांगली मेंटल ना बन के मेंटली स्ट्रांग बन के जाएं। अंगद के पैर की तरह अगर जमा दिया तो रावण का कोई भी जो सेना के लोग हैं वो उसको उठा ना सके। मैंने जब ब्रह्मा कुमारी इसको 76 में ज्वाइन किया तो मैंने राजयोग सीखा, जैसे आप लोग आए हुए, मुझे सहज राजयोग की, उस वक्त 21 साल मेरी उम्र थी, एमएससी कर रहा था मैं एनडीआरआई करनाल के अंदर, तो उस वक्त जब मैंने सहज राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया तो मेरी जो मेमोरी है वो फोटोजेनिक हो गई, फोटोग्राफिक मेमोरी। मुझे किताब के जो पेज हैं वो दिखाई देते थे, जैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ऐसे नकल मार के लिख लेता था ऐसे एकदम, क्योंकि बिल्कुल फोकस्ड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो गया। और उसका फल क्या हुआ, मैंने एनडीआरआई टॉप किया।
कई लोग कई बार कहते हैं कि कोई किसी संस्था में जाने लग जाए तो ज्यादा वो कहते हैं ये तो किसी काम के नहीं रहे, ना दफ्तर के काम करते हैं ना घर का काम ठीक से करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ कर्म योग सिखाया जाता है, कर्म में योग का एडिशन है, नहीं तो आम आदमी सिर्फ कर्म कर रहा है। यहाँ कर्म में योग कैसे ऐड करना है उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक अनुभव मैं छोटा सा बीच में बता देता हूं कि माउंट आबू में आने से पहले ही मुझे वहां जब मैंने ये ध्यान करना शुरू किया, ये डिवाइन एक्सपीरियंस है, मुझे वहां पर तब ये ज्ञान सरोवर नहीं होता था, तब शांतिवन भी नहीं होता था, सिर्फ पांडव भवन होता था और उसमें भी मेडिटेशन हॉल था। तो मैं जब ध्यान करता था तो एक दिन पता नहीं ड्रीम में हुआ या ड्रीम में डिवाइन विजन हुआ, दैट आई डोंट नो, मुझे पूरा का पूरा मधुबन अपने स्वप्न में कहो या विजन में कहो दिखाई दिया, लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं आई कि ये क्या है। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया 76 में ही, तो मैंने जब देखा उस धरती पे पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सारा का सारा तो मैं पहले ही देख चुका था। वहां पे अंदर जो मेडिटेशन हॉल है उसके अंदर जहां मैंने स्वप्न में कहो देखा वहीं मैं एक्चुअली जाके बैठा, मतलब मुझे पहले ही प्री कॉग्निशन वो उससे हो गया। ये इस राजयोग मेडिटेशन का ही फल था। तो भाई और बहनों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन आवर वर्क लाइफ। वर्क लाइफ हम सब जानते हैं, प्रोफेशनल लाइफ हर एक की अपनी अपनी है, वहाँ के प्रेशर्स अपने अपने हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स इनके बीच में आपकी फैमिली है, वहाँ के प्रेशर्स हैं, आपकी संतान के हैं, और अगर पति पत्नी में थोड़ा वो हो कबड्डी कबड्डी तो वो भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन में हम सब, क्योंकि जितना भी हम यहाँ बैलेंस सीखने आए हैं वो बैलेंस कौन करेगा, हु हैज टू डू दैट, वो हमने करना है, हमें वो स्ट्राइक करना है बैलेंस को। तो वो कैसे करना है उसकी विस्तृत हम विवेचना करेंगे। ये चित्र देखिए बड़ा सुंदर है, इसमें दो दो साइड दिखाई हैं। ये जैसे पहले हम देखते थे ना अर्धनारीश्वर का चित्र, ऐसे ही ये आपके दो हिस्से हो गए हैं। इसमें एक हिस्सा ऑफिस का है, एक हिस्सा फैमिली का है, घर का है, पर्सनल लाइफ का है, जिसमें दिखाया है जो पर्सनल लाइफ है, हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपकी हॉबीज हैं, रिफ्रेशिंग, आपको किड्स को क्वालिटी टाइम देना है, आपको खुश भी रहना है, आपको रिलैक्स भी करना है, आपके जीवन में लव का भी महत्व है। और दूसरी तरफ जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचते हैं, दूसरा रोल वहां पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन है माइंड की, आपकी पूरी कंपनी इसी काम इसी उद्देश्य से काम कर रही है कि वो प्रॉफिट कमाए, वहां आपको सेल के बारे में सोचना है, आपको हार्ड वर्क डेडलाइंस दी जाती हैं कि इस डेडलाइन यहां तक आपको ये टारगेट अचीव करना है, उसका प्रेशर है आपके ऊपर, वहां भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे मैं दे रहा हूं देनी पड़ती हैं, मीटिंग्स हैं, विजिट्स हैं, ओवर टाइम कई बार करना पड़ता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स हमारे ऊपर बिल्डअप होते रहते हैं। लेकिन टू स्ट्राइक ए बैलेंस इज एन आर्ट बिटवीन वर्क एंड योर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। तो वो कैसे होगा बैलेंस, हमें दो चीजों का करना होगा, वो है अचीवमेंट, उपलब्धि भी होनी चाहिए, गोल भी मीट आउट करना है, ऐसा नहीं कि आपको अपना लक्ष्य बिंदु प्राप्त नहीं करना है, और उसके साथ साथ जीवन में आनंद भी हो, खुशी भी हो, दोनों काम मिलने चाहिए, ये नहीं एट द कॉस्ट ऑफ अदर। हम लोग कई बार क्या होता है कि एक तरफ इतना ध्यान हो जाता है कि फैमिली जैसे कईयों की इग्नोर होती है, हमने कई देखे अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने फैमिली इग्नोर की, बाद में रो रहे हैं क्योंकि बच्चे बिगड़ गए, घर में संबंध अच्छे नहीं रहे, तो वो सारी बातें। किसी एक एस्टिमेट के अनुसार से 43% ऑफ पीपल इन इंडिया आर नॉट एबल टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। लेकिन अगर हम समग्र दृष्टि से देखें तो अगर ये बैलेंस हम स्ट्राइक कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम रहेगी, एक सेटिस्फेक्शन रहेगी,
हैप्पीनेस बनी रहेगी आपके भीतर, एक उत्सव का माहौल होगा, आनंद का माहौल होगा, आपके जीवन में प्रेम झलकेगा, छलकेगा और सेंस ऑफ वेलबींग आपके जीवन में बनी रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये बैलेंस के ऊपर ही है। आप सर्कस में जाते हो तो वहाँ तालियां मारते हो, किस बात की? सर्कस सारी किस सिद्धांत पे बेस्ड है? बैलेंस। वहाँ पे भी, वहाँ देखो नवयुवक होते हैं, नवयुवतियाँ होती हैं, मैं देखता हूँ टाइट रोप वॉक है, वहाँ पे वो कप सिर पे फेंका, उसके अंदर चम्मच फेंक दिया, कितने ही वो ऊपर तक चले जाते हैं, कैसे करते हैं वो? एक साधना है। मौत का कुआं आपने देखा होगा, उसमें कार चला रहे हैं अंदर, साथ में मोटरसाइकिल चल रही, इतनी सी भी एरर हो जाए तो परखचे उड़ जाएंगे, लेकिन कितना बैलेंस, कितनी माइंड की उपस्थिति, माइंडफुलनेस। वहां आप क्या गैर हाजिर हो सकते हैं? उस परिस्थिति में आप कभी नहीं हो सकते। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, आर वी एडिंग ईयर्स टू लाइफ और लाइफ टू ईयर्स? क्या हम हर साल बढ़ाते जा रहे हैं? एक साल और ऐड हो गया, एक साल और ऐड हो गया, लेकिन मोनोटनी बनी हुई है। हम जी रहे हैं, रो रो के जी रहे हैं या आनंद में जी रहे हैं? किसी से पूछा भी, आप क्यों जी रहे हैं? कहता है क्योंकि सांस आ रहे हैं। पर्पस क्या है? वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम जीवंतता कितनी है हमारे जीवन में, हम जिंदा कितने हैं? ऐसा तो नहीं चलती फिरती लाशें बन गए, ये हमें अपने आप को देखना है। व्हाई आई एग्जिस्ट इज द सेकंड क्वेश्चन, द मेजर क्वेश्चन। मैं हूं क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, वो भी एक गीत है ना, लेकिन मैं क्यों हूं पहली बात है। मैं हूं क्यों? मेरे होने का उद्देश्य क्या है? द बेसिक पर्पज क्या है मेरे होने का? टू अटेन एक्सेलेंस। मैं इसकी चर्चा आप लोगों के साथ नहीं करूंगा, ये पूरा एक घंटे का टॉपिक है, व्हाई आई एग्जिस्ट। द फाइनल आउटकम इज टू अटेन एक्सेलेंस इन वट एवर आई डू, वेयर एवर आई एम। मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, मुझे वहां अपनी एक्सेलेंस, जितनी मेरे अंदर पोटेंशियल है उसको फुल्ली एक्सप्रेस करके मुझे उस एक्सेलेंस को प्राप्त करना है जो मैं कर सकता हूं। आई हैव टू गिव माई 100%। देन हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, जैसे हम सर्कस का उदाहरण देख रहे हैं, और फिर जीवन में कॉन्फ्लिक्ट भी हैं वर्क और लाइफ के, उसकी हम आगे और चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्टीव जॉब्स का नाम सबने सुना होगा, जो एप्पल के फाउंडर थे, सीईओ थे, कंप्यूटर भी बनाया, लैप और ये मोबाइल्स वगैरह भी हैं, और काफ़ी कॉस्टली हैं वो, और वो रिचेस्ट लिस्ट में आता है स्टीव जॉब्स। एक समय वो इंडिया भी आया था, शायद आपको पता ना हो, नैनीताल के अंदर एक कैंची आश्रम है, जब उसका काम नहीं चल रहा था तो नीम करोली बाबा के आश्रम में वो 6 महीने रह के गया था, वहाँ उसको एनलाइटनमेंट हुई थी। वो जो नीम करोली बाबा थे, वो एप्पल ऐसे अपने शिष्यों की तरफ एप्पल फेंका करते थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी क्या रखा? एप्पल रखा। और उसके बाद उनका ग्रोथ जो है वो आप जानते ही हो कि कितना ग्रोथ हुआ। लेकिन जिस वक्त ये अपने डेथ बेड पे थे, तो उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, मैं वह पढ़ना चाहूँगा, आप लोग उसको आप भी पढ़ें, मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर एक मर्म है, एक पीड़ा है, एक दर्द है कि मैंने सारा फोकस अपने काम पे किया, मैंने जिंदगी के अंदर आनंद नहीं लिया, मैंने रिलेशनशिप्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बस एक ही वेल्थ वेल्थ वेल्थ, 24 घंटे एक ही चीज़ मेरे उसमें संकल्पों में रही। तो आज मैं डेथ बेड पे पड़ा हुआ, वो हरी हरी लाइट दिख रही हैं मशीनों की, और मुझे दिख रहा है मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरा वेल्थ मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। उसने कहा, I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. At this moment, lying on the sick bed,
एंड रिकॉलिंग माई होल लाइफ, पिछली रील चला के रिवाइंड करके देख रहा है, आई रियलाइज दैट ऑल द रिकॉग्निशन एंड वेल्थ दैट आई हैव टुक सो मच प्राइड इन हैव पेल्ड, पीली पड़ गई है सारी वेल्थ एंड बिकम मीनिंगलेस इन द फेस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ. नॉन स्टॉप परस्यूइंग ऑफ वेल्थ विल ओनली टर्न ए पर्सन इन टू ए ट्विस्टेड बीइंग. ट्विस्टेड बीइंग कहता जैसे मैं, ऐसे अगर हमने भी वन साइडेड डेवलपमेंट की, लॉप साइडेड डेवलपमेंट की, तो हमारे जीवन से भी संगीत नहीं निकलेगा. तो वो कहता है ट्विस्टेड बीइंग बनना हो तो गो आफ्टर वेल्थ ओनली, लेकिन फाइनल लाइन उसकी बहुत ही कीमती है. वो कहता है गॉड गेव अस द सेंसेस टू लेट अस फील द लव इन एवरी वंस हार्ट, नॉट द इल्यूजन्स ब्रॉट अबाउट बाई वेल्थ. ये वेल्थ क्या खड़ा करती है? इल्यूजन्स, भ्रम, भ्रमात्मक स्थिति हमारी पैदा हो जाती. हम सोचते हैं मेरे पास वेल्थ है तो मैं सुखी भी हो जाऊंगा. हमने ऐसे लोग देखे हैं, डनलप के पिल्लो, नींद नहीं आ रही है, धन बहुत है, डॉक्टर ने कहा उबला हुआ खाना है, दूसरा खा नहीं सकते हो. तो हमें एक बैलेंस बना के जिंदगी में चलना होगा. और इसका फायदा क्या होगा? अगर हम लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलते हैं तो सबसे बड़ा फायदा है उसका, यू एबल टू रिड्यूस स्ट्रेस, अपने ऊपर जो तनाव है, जो प्रेशर है, उनको कम कर पाएंगे. और बर्नआउट की स्थिति आ जाती है, वो आगे मैं और एक स्लाइड उसके लिए बनाई कि व्हाट इज बर्नआउट स्थिति. इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम कर करके थक गए, हार गए, बस अब रो रहे हैं, पड़े हैं, आंखें सूख गई हैं, कोई आता है ऐसे देख रहे हैं बैठे, दिल में स्नेह खत्म हो गया है, दूसरी मशीन बन गए, मैकेनिकल हो गए, टोटली मैकेनिकल हो गए. तो क्रोनिक स्ट्रेस जो हम लोगों को होता है जब बैलेंस नहीं होता, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, क्रोनिक पेन्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, इसी तरह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं. कई लोग हमने देखा डिप्रेशन में चले जाते, अवसाद में चले जाते, और कईयों को एंग्जाइटी रिडन पर्सनैलिटी होती है, हर वक्त एंग्जाइटी रिडन, एप्रीहेंसिव, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हर वक्त डरे डरे से, चिंताग्रस्त, और रात को फिर नींद नहीं आती, गोली लेके सोते हैं. तो सिम्टम्स ऑफ बर्नआउट इसमें दिखाए गए हैं कि जो इंसान बर्नआउट की स्थिति में चला जाता है, देन ही इज एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम, हर वक्त थका हारा, कहते कुछ दिल नहीं कर रहा, कुछ करने को मन नहीं होता है, एवरी डे इज ए बैड डे. कहते ये सुबह उठना भी क्यों पड़ रहा है, पड़े रहें तो अच्छा है, कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है, या इतना कर चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि अब होता नहीं. इमोशंस हैव बीन ब्लंटेड. होना क्या चाहिए जिंदगी में? योर इमोशन शुड बी रिफाइंड. जिंदगी जैसे मैच्योर हो रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है, तो इमोशन शुड रिफाइन, रिफाइन होनी चाहिए इमोशंस, ब्लंटेड नहीं होनी चाहिए, डेडनिंग नहीं होनी चाहिए उनकी. आईज हैव ड्राइड, आंखें सूख गई, आंखों का जल सूख गया. इनडिसिव स्टेट ऑफ माइंड और अनिर्णय की स्थिति. मैंने देखा ऐसे कई, मैं काउंसलर हूं, मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, 10th से 12th के बच्चे जो हैं आजकल, वो कई बहुत आ रहे, उसमें भी जो लड़कियां हैं उनके मां बाप ज्यादा आ रहे. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आई लव यू. प्रॉब्लम क्या है? आई लव यू. इस एज में, कच्ची एज में, वो ऐसे एक फादर आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि रात को मेरी बेटी 2 बजे के लगभग किसी से बात कर रही थी, तो जब वो सोई तो मैंने उसका मोबाइल उठा के अपने सराहने के नीचे रख लिया, और जब मैं सुबह उठा तो देखा वो मोबाइल गायब था, मतलब बेटी ने उठ के वो मोबाइल फिर उठा लिया था.
ऐसी ऐसी स्थितियां अब संसार में पैदा हो रही हैं, तो ये डिसबैलेंस की स्थिति आ गई, क्योंकि पेरेंट्स पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इट इज इजी टू बी पेरेंट्स, बट पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। पेरेंटिंग तभी कर पाओगे जब आप खुद ट्रेंड होंगे। अगर आप ट्रेंड नहीं, आपका माइंड ट्रेंड नहीं है, आपको बच्चों को हैंडल करना नहीं आता है, इसलिए कल वो इस तरह से प्रश्न उत्तर भी हो रहे थे, तो वो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम देख रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि फादर भी काम कर रहा है, मदर भी काम कर रही है, बच्चों को के देने के लिए क्वालिटी टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ। और इरिटेबल टेम्परामेंट हो जाता है, छोटी छोटी बात चुभने लगती है, किसी ने कुछ कहा, रात को नींद नहीं आ रही है, मुझे कह कैसे दिया। तो ये सारी एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। लाइफ इज वर्थलेस एंड मीनिंगलेस। और क्या स्थिति आ जाती है, ये जिंदगी अब जीने लायक नहीं है। और कई फिर इस जिंदगी को हरिओम तत्सत भी कर देते हैं। अब ये वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है क्यों, क्यों होता है? मेजर रीजन वही है, हाई डिमांड्स एंड प्रेशर्स ऑफ वर्क एट ऑफिस एट होम, दोनों के क्लैश हो रहा है। जैसे तीन तरह के क्लैशेज हैं, तीन तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं। नंबर वन इज टाइम बेस्ड, आपकी ऑफिस में मीटिंग है, उधर बच्चों की पेरेंट टीचर मीट है, अब आपको समझ नहीं आता इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं, किधर जाऊं। तो ये एक ऐसी स्थिति में हम पड़े हुए हैं, एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है कि व्हाट टू डू। टाइम अपोर्शनमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही। सेकंड इज स्ट्रेन बेस्ड, स्ट्रेस लेवल, दफ्तर वाले इधर खींच रहे हैं, घर वाले इधर खींच रहे हैं, वाइफ इधर खींच रही, बॉस इधर खींच रहा है, वो बीच में बेचारा खींचा जा रहा है, स्ट्रेन हो रहा है उसके, उसकी नसें खींची पड़ी हैं। आपने देखा है जो स्ट्रेन्ड पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं, फटी फटी, ये आंखें फटी फटी सी आंखें उनकी जो है ना, बिल्कुल फटी फटी होती हैं। दूर से देख के पता लग जाता है कि ही इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेन ब्रेस है जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते, बर्नआउट स्थिति, जैसे अभी हमने देखा था, बिल्कुल थके मांदे हारे, अब दफ्तर जाना पड़ रहा है, जा रहे हैं, एक डेड रूटीन है, मोनोटनी है, सोमवार संडे से अच्छा नहीं है, मंगलवार सोमवार से अच्छा नहीं, रोज एक जैसा है रूटीन, उसको ढो रहे हैं। तीसरा है बिहेवियर बेस्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी हर जगह बिहेवियर काउंट करता है। मान लो आपका बॉस का बिहेवियर है वो इरिटेबल टेम्परामेंट वाला है, तो सारा स्टाफ दुखी रहेगा। घर में मान लो पति पत्नी में तनाव है, बिहेवियरल, उसका प्रॉब्लम रहेगी। बच्चे हैं उनके साथ आपका जो है वो हार्मनी नहीं बैठ रही है, तो ये सारे जो हैं प्रेशर्स हमारे ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो वो जिंदगी को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। और वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार यूएसए के अंदर $2400 बिलियन जो हैं हेल्थ बेस्ड प्रॉब्लम, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रेस्ड लोगों की और बर्नआउट लोगों की, इतना जो है हर साल खर्च होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब ये कह रही है कोई तो बताए क्या होगा, सिर फटने वाला है। अब है कि रेमेडी क्या है, बचें कैसे, उसके लिए है 3R अप्रोच। पहला है रिकॉग्नाइज दी स्ट्रेस सिग्नल्स। जब आपके स्ट्रेस सिग्नल आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये वार्निंग सिग्नल आ गए हैं अपने आप को। सेकंड इज रिट्रेस योर स्टेप, अपने कदम पीछे की तरफ लो, अब लौट चलो, घर की तरफ लौट चलो, आ अब लौट चलें। रिट्रेस योर स्टेप्स, पॉज एंड पॉन्डर, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर आपने मान लो रुके नहीं, तो बर्नआउट की स्थिति में चले जाओगे, बाद में हो सकता है बर्नआउट ही हो जाए। तो क्या करना है, पॉज एंड पॉन्डर, रुको, सोचो क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस करो, मेरी स्ट्रेंथ्स
मेरी वीकनेसेस, जो स्ट्रेंथ्स हैं वही अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो वीकनेसेस हैं वही थ्रेट्स होती हैं। तो ये एनालिसिस करो अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का, स्वॉट एनालिसिस करो, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करो, यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकन योर वीकनेसेस। ये फार्मूला याद रखना, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकन योर वीकनेसेस। उनको मिनिमाइज करो, एरर्स को मिनिमाइज करो। द बेस्ट मॉडल स्टैटिस्टिकल कौन सा होता है, जिसमें एरर इज मिनिमम। ऐसे ही जिंदगी में एरर शुड बी मिनिमम। भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है, ये जिंदगी, टू मिनिमाइज द एरर्स, कि हमारे जिंदगी में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, अभाव हैं, पर्सनैलिटी लूप होल्स हैं, उनको हम कम करें अपनी जिंदगी से। थर्ड इज रियलाइज योर सेल्फ, रियलाइज योर पोटेंशियल एंड सेल्फ एम्पावरमेंट। ये कैसे होगा, जब तक आप अपना पोटेंशियल ही रियलाइज नहीं करते हैं, जब तक आप सेल्फ को एम्पावर नहीं करते, कौन झेलेगा ये सब परिस्थितियां। मुझे झेलनी है, मुझे अपने को तगड़ा बनाना है, तगड़ा, स्ट्रांग, पावरफुल। उसके लिए क्या बताया यहां पे, क्या बताया, सहज राजयोग, राजयोग मेडिटेशन। यहां पे हम आप सबको सिखा रहे हैं, आप ये करके देखो कैसे डिटैचमेंट आती है। क्योंकि जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होते हैं, सोल कॉन्शियस होते ही बॉडी कॉन्शियस से परे जाते हैं, सारे जगत से परे चले जाते हैं। अपने आप में आते ही हमारा कंसंट्रेटेड माइंड हो जाता है, कंसंट्रेटेड होते ही उसमें ऊर्जा पैदा होती है। जैसे लेंस से सूर्य की किरणें एक बिंदु पे हम फोकस करते हैं तो उसमें जलाने की क्षमता आ जाती, कंसंट्रेट हो जाती है, जब वो फोकस हो जाती। ऐसे ही जब हमारा मन फोकस हो जाता है ज्योति बिंदु परमात्मा पर, खुद भी ज्योति बिंदु, तो आपके अंदर पावर आ जाती है, यू बिकम चार्ज्ड। और जो चार्ज होता है वही जिंदगी का इंचार्ज होता है। जो डिस्चार्ज है वो कभी इंचार्ज नहीं हो सकता। तो हमारी लाइफ का, हमें जो ये अवसर मिला है, ये किस लिए मिला है, टू चार्ज आवर बैटरी, चार्ज आवर सोल, चार्ज आवर माइंड, अपनी विल पावर स्ट्रांग करने के लिए हमें ये मिला है। बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद ने कहा, रियलाइज योर इनर पोटेंशियल। मुझे ये उनकी कोट बहुत प्यारी है, वो कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन। By controlling nature, external or internal, do this either by work, चाहे आप काम करके करो, और by worship, पूजा करो, psychic control, मनोविज्ञानिक control करो, और philosophy और spirituality, by one or more, do this and be free, this is whole of the religion। सारे religion का सार बता दिया कि आपके भीतर ये जो आत्मा है ना, इसकी डिविनिटी को मैनिफेस्ट कर लेना ही मानव मात्र का अंतिम लक्ष्य है। अपने पोटेंशियल को हमें एक्सप्रेस कर लेना है। ये आपने सबने सुने हुई है कि द्रौपदी को वरण कैसे हुआ था, अर्जुन ने क्या किया था। इस चित्र से हम क्या सीखते हैं, अगर इस चित्र से हम पूछें कि हम क्या क्या इससे लर्न करते हैं तो क्या आएगा उत्तर में, क्या क्या आएगा, फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस। फोकस भी कौन कर सकता है, स्टेबल माइंड, स्थिर माइंड। अगर आपका माइंड स्थिर नहीं, आप फोकस कर सकते हैं, वो स्थिरता कैसे आएगी, योग से। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक, कर्मिष्ठ भ्यो अधिको योगी, तस्मात योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है,
कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन योगी बनो। यहां भी आप सबको बुला के जो टेक होम मैसेज है वो क्या है, भोगी नहीं बनो योगी बनो। अर्जुन योगी बना तो वो तीर लगा सका। कैसे तीर भी कोई ऐसे नहीं कि सीधा आंख देखना है, नीचे जल है या तेल है, अलग अलग बताते हैं। उसमें मछली घूम रही है, ऊपर उसको देखना है, उसका रिफ्लेक्शन। और तीर साधना है तो कितना कठिन काम है, उसका रिफ्लेक्शन नीचे पड़ रहा है तो उस मछली की आंख में तीर लगाना है तो कितना बैलेंस ऑफ माइंड चाहिए। इसलिए हमें क्या सीखना होगा, मेडिटेशन मेडिटेशन एंड मेडिटेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। गुरु ने शिष्य को कहा मैं तुम्हें तीन सूत्र देता हूँ जिंदगी में कामयाब होने के। उसने कहा कौन सा, उसने कहा पहला प्रैक्टिस। उसने शिष्य ने पूछा दूसरा, प्रैक्टिस। तीसरा सूत्र, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वोमेन क्यों नहीं कहा, बिकॉज शी इज ऑलरेडी परफेक्ट। तो प्रैक्टिस की जरूरत किसको है, सोल को है। मेल फीमेल से ऊपर उठ जाओ। तो योगा क्यों करना है हमें, मेडिटेशन क्यों करना है, उसके कुछ फायदे दिए हुए हैं। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आप सेल्फ रियलाइज्ड सोल होंगे, आप एनलाइटन्ड हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, आप शांति में जीना शुरू कर देंगे, आप रिलैक्स रहेंगे हर परिस्थिति में, आपका मन स्टेबल हो जाएगा, आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, आप वर्क लाइफ बैलेंस एस्टेब्लिश कर सकेंगे, आप ये सब सीख जाएंगे। और जो मिस डीड्स हैं, गलत काम करते हैं, उनसे बच जाएंगे, बुरी आदतें छूट जाएंगी। इसलिए हे अर्जुन योगी भव। क्या बनो, हे अर्जुन योगी भव, तस्मात योगी भव अर्जुन। और दूसरा, अब और क्या करना है, देखो इन्वेस्ट इन योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स। अपने जो रिश्ते हैं ना, ये भी जैसे कल बताया था ना, गुब्बारे दे के भी बड़े नाजुक होते हैं, तो ये नाजुक रिश्तों को बहुत प्यार से पालना है, इसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर वाले होते हैं ना उनसे बड़े प्यार से बोलते हैं, और घर वालों का फोन आए, घर वाली का फोन आए तो आप दूसरा आदमी बता देगा ये घर वाली का फोन है, और बाहर वाली का हो तो लैंग्वेज ही और होगा। इन्वेस्ट इन योर क्लोज रिलेशनशिप्स, प्यार से रहो, मौज से रहो, मस्ती से रहो, और जहां आप काम करते हो जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ भी फ्रेंडशिप डेवलप करो, तो आपका जो है ना स्ट्रेस वो कम होने लग जाएगा। अगर वहां पे आप एनिमिटी या ऐसे आपके कोई, जैसे मैंने पिछली बार लेक्चर में कहा था, विश्वामित्र बनो, सारे विश्व के मित्र बनो। हमारा कोई भी शत्रु सारे संसार में होना नहीं चाहिए। जब हम बैठे ऐसे मेडिटेशन में तो ऐसा कोई भी ना हो, मेरा मन जिसकी तरफ जाए कि उसके लिए बुरा सोचे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, तब आप मेडिटेटिव पर्सनैलिटी होते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी इवेंट्स, हम सोशल इवेंट्स मिलजुल के कर सकते हैं तो उससे भी हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और हमारा कैथारसिस होता रहता है। हमारे अंदर जो भरा हुआ है ना, उसका कैथारसिस बड़ा ज़रूरी है। तो जब हम, जैसे यहाँ आप लोग आए तो ये कैथारसिस हो रहा है आपका, ये कैथारसिस है, भीतर से विरेचन हो रहा है उसका। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद नेगेटिव पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग आउट विद नेगेटिव माइंडेड पीपल हु डू नथिंग बट कंप्लेन विल ओनली ड्रैग डाउन योर मूड एंड आउटलुक। तो ऐसे लोगों से, मान लो आपको कहीं फिर भी रहना पड़ता है, ऑफिस में तो हर तरह के लोग हैं, तो क्या करो, कोशिश करो जब वो आए तो कम से कम हमें समय उनके साथ बिताना पड़े, या फिर आप अपनी इतनी इनर्जी पॉजिटिव कर दो कि कुछ दिनों बाद वो भी परिवर्तित हो जाएं, जैसे कि कल बात हो रही थी, ऐसा हो सकता है। लेकिन देन यू विल हैव टू बी ए मेडिटेटिव पर्सनैलिटी। आप घर बैठे भी बदल सकते हैं, आपको किसी के नज़दीक जाने की जरूरत नहीं। आप करोड़ों मील जो दूर बैठा है, हजारों मील दूर बैठा है, उसको भी बदल सकते हैं।
आज विज्ञान ने उसके ऊपर प्रयोग कर दिए हैं। मैं समय की सीमा है उसमें नहीं जाऊंगा। कितना समय हो गया? बस अब खत्म होने वाला। ये है ज्वाइन सम स्पिरिचुअल सोशल ग्रुप। अगर हम चाहते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल लो रहे, तो जैसे यहाँ हम आए हुए हैं, ये ब्रह्मा कुमारी इसका शांति वन का दिखाया हुआ है नीचे। ज्वाइनिंग ए स्पिरिचुअल सोशल और स्पोर्ट ग्रुप कैन गिव यू ए प्लेस टू टॉक टू लाइक माइंडेड पीपल। यहाँ पे आप देखो ना, सारे लाइक माइंडेड पीपल हैं। आप इनसे बात करोगे ना दिल की, तो आपको समाधान भी मिलेगा, रिलैक्सेशन भी मिलेगी। और अगर आप संसार में कहीं बात करोगे, उपहास के पात्र बनोगे। वो आपकी बात इधर की उधर, उधर की इधर। ये बड़े दिल वाले लोग हैं यहाँ। जैसे आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपका दिल अनलिमिटेड हो जाता है, फराक दिल, उसमें कोई भी समा सकता है। बड़े दिल वाले हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो या किसी काज के लिए जो वर्क कर रहे हैं, ऐसे एनजीओस, जैसे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन किस काज के लिए काम कर रही है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कनेक्टिंग द सोल विद द सुप्रीम सोल, चार्जिंग योर पर्सनैलिटी, मेकिंग योर पर्सनैलिटी मैग्नेटिक। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि समाज की इकाई मानव है। अगर एक एक मानव सुधर जाएगा तो समाज कितना सुंदर हो जाएगा। समाज अपने आप में कुछ नहीं है, एक एक यूनिट की इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। वो काम जो है हो रहा है। नीचे लिखा है हमने, आओ स्वर्ग मनाए मिलकर। एक गीत है यहाँ पे, आओ स्वर्ग बनाए मिलकर, आओ स्वर्ग बनाए मिलकर। हम सब ने मिलकर क्या बनाना है? सुंदर दुनिया, स्वर्ग, हेवन। अभी तो हम सिर्फ कार्ड होते हैं ना, जो कार्ड मरने वालों के, उसमें लिखते हैं He or she has left for heavenly abode. और साथ में लिखते हैं, हमें बड़े दुख से सूचित किया जाता है। किसी का कोई रिश्तेदार विदेश भी चला जाए ना, तो लोग कहते हैं जी फॉरेन रिटर्न है हमारा रिश्तेदार, खुश होते हैं। और आपका रिश्तेदार तो स्वर्ग चला गया है, तो तालियां बजानी चाहिए। तो heavenly abode में, अब यहां heaven में हो आप। अभी क्या है, हम सब कहां हैं? कौन सी धरती है ये? सही, स्वर्ग भूमि है ये। हम सब स्वर्ग भूमि में बैठे हुए हैं। तो हम सबको मिलके क्या बनाना है? अब सब ने जो जहां भी जाना है ना, ये पक्का कर लो, गांठ बांध लो पक्की। देखो मैं तो सरदार जी हूं, लाल पगड़ी शिव बाबा वाली पहन के रखता हूं हमेशा। लेकिन जब मुझे समझ आ गई हर बात कि मैं आत्मा हूं, और हमने कितनों को समझा भी दी, बड़े बड़ों को भी समझा दी। अभी भी दो वाइस चांसलर्स मेरे साथ आने थे, लेकिन एक के यहाँ सीएम आ गए, एक को पंजाब गवर्नमेंट ने एडवाइज़र का लिया, अपॉइंट कर दिया, तो ऐसा कुछ बना के वो आ नहीं पाए। तो हम जो है सबको मैसेज देते हैं। और पिछली बार वो आए तो उन्होंने कहा, अरे हम तो बहुत पीछे रह गए, जिंदगी के इतने साल ऐसे ही चले गए। महात्मा बुद्ध के पास कोई आए, उसकी 72 साल आयु थी, उसने महात्मा बुद्ध ने पूछा तुम्हारी आयु कितनी है, कहता 4 साल। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी आयु पूछ रहा हूँ। उन्हें कहा भी 4 साल है मेरी आयु। कहते कैसे? कहते 4 साल से मेरे अंदर अवेकनिंग आई है, समझ आई है, एनलाइटनमेंट आई है कि जीवन का पर्पस क्या है, और मैं वैसा जीना शुरू किया है, तो मेरी जिंदगी 4 साल है। यहाँ पे भी हम लोगों की जो है, जिसको जब समझ आ जाए तभी सवेरा है, लेकिन अब जो है टू लेट होने का समय है। इसलिए जो है ना, इसको जितनी जल्दी और एम्बाइब करो, और एम्बाइब करो, और एम्बाइब करो, और अपने आप को एनलाइटन हम करते चलें। और लास्ट में जो है श्रीमद् भगवत गीता से ये श्लोक मेरे दिल के बहुत करीब है। बैलेंस की बात की है भगवान ने गीता में। हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनं ज्या, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे
हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणी, केवल कर्म मत कर, योग में स्थित होके कर्म कर। योगस्थ मैंने योग में स्थित होके कर्म कर, ये समाधान दे रहे हैं वो। कर्म करना कैसे है, दफ्तर में या घर में? योगस्थ कुरु कर्माणी, फर्स्ट यू कनेक्ट योर कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना से पहले कनेक्ट कर अपने आप को। योगस्थ कुरु कर्माणी, फिर कर्म में उतर। हम लोग करते ऐसे हैं, घर में कोई भी काम, शादी विवाह कुछ भी करना हो, पहले कोई सुंदर कांड का पाठ कराता है, कोई अखंड पाठ कराते हैं, कुछ ना कुछ भगवान से ही शुरू करते हैं, लेकिन बाद में भगवान निकल जाता है बीच में से। तो भगवान हर कर्म में साथ हो, कर्म योगी बन हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा धनंजय, असंग होकर, डिटैच होके। फिर क्या कहा, यू गिव योर 100%, बट सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। फिर चाहे सफलता मिले, आपने 100% दिया, या असफलता मिले आपकी दृष्टि के अनुसार, हो सकता है वो असफलता का लौर भी बहुत बढ़िया निकले। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते, बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। समत्वम मीन्स बैलेंस, समत्व, समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते हे अर्जुन, समत्व, बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योग। बैलेंस ऑफ माइंड जो है वो योग का, अगर ये बैलेंस हम अपने जीवन में ले आएंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर बन जाएगा। अंतिम स्लाइड, इसको भी हम जीवन में धारण कर लें तो मौज हो जाएगी। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में, बोलो, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या है ना। थैंक यू वेरी मच। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने बहुत प्रेम से सुना। एक बार फिर धन्यवाद। ओम शांति।